अध्याय 15 श्लोक संख्या 3 और 4। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यास्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यता प्रवृत्ति प्रश्रिता पुराणी। अर्थ: न नहीं, रूपम रूप अस्य इस वृक्ष का, इह इस संसार में, तथा भी उपलभ्यते अनुभव किया जा सकता है, न कभी नहीं अंत अंत, न कभी नहीं च भी आदि प्रारंभ, न कभी नहीं च भी संप्रतिष्ठा न्यू अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को एनम इस सुविरूर अत्यंत दृढ़ता से मूलम जर वाला असंग शस्त्रेना विरक्ति के हथियार से दृढ़ेना दृढ़ चित्वा काटकर तथा तत्पश्चात पदम स्थिति को तत् उस परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए यास्मीन जहाँ गता जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ति वापस आते हैं भूय पुनः तम उसको एव ही च भी आद्यम आदि पुरुषम भगवान की प्रपद्ये शरण में जाता हूँ यता जिससे प्रवृत्ति प्रारंभ प्रस्तुता विस्तीर्ण पुरानी अत्यंत पुरानी। अनुवाद: इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्णा।